हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्या फूड फाउंडेशन। आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले एक टॉपिक करना हमें, दैट इज एडिटिव इनवर्स। हमने कल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था ऑफ रैशनल नंबर्स, उसी में एक टॉपिक आता है एडिटिव इनवर्स का। कोई भी रैशनल नंबर मुझे दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सपोज तो मेरे पास एक रैशनल नंबर है 5 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, मींस मैं 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 0। जो 0 होती है हमारी, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ अब 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। 5 का नेगेटिव, दैट इज -5। अब देखो 5 में अगर मैं ऐड कर रही हूं माइनस ऑफ 5 को तो क्या होगा, प्लस माइनस। माइनस मींस 5 माइनस 5 हो गया, और 5 माइनस 5 कितना आता है 0, और 0 क्या होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। मींस तो जो एडिटिव इनवर्स है क्या होता है, वो बेसिकली एक ऐसा नंबर, जो भी मुझे रैशनल नंबर दिया हुआ है, एक ऐसा नंबर जिसको मैं इस रैशनल नंबर में ऐड करूं तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, वो होता है एडिटिव इनवर्स उस दिए हुए रैशनल नंबर का। अब 5 था, 5 में मैं कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूंगी आंसर 0 आ जाए, दैट इज नेगेटिव ऑफ 5 मींस माइनस ऑफ 5। अब सपोज करो 5 की जगह मेरे पास होता माइनस ऑफ 6/7, तो माइनस ऑफ 6/7 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 0, इसी का नेगेटिव। अब माइनस ऑफ 6/7 है, माइनस ऑफ 6/7 का जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा। अब देखो ऑलरेडी 6/7 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, फर्दर उसी का नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ नेगेटिव कोई तो नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो माइनस ऑफ 6/7 का नेगेटिव कितना होगा, पॉजिटिव 6/7 मीन्स प्लस 6/7। तो माइनस 6/7 में क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए, दैट विल बी 6/7। तो आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 7/11। अगर आपसे पूछा जाए राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6, तो 5/6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5/6। और अगर कोई पूछे माइनस ऑफ 5/6 का एडिटिव इनवर्स तो दैट विल बी 5/6। तो अगर एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है किसी भी नंबर का तो क्या होगा, वो उसी नंबर का नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब सपोज करो मेरे पास ये आ जाए कि राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-7। अब -6/-7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये नहीं है कि यहाँ पर बाहर एक नेगेटिव लगा लिया तो इसका एडिटिव इनवर्स बन गया माइनस ऑफ -6/-7, ऐसे नहीं लिखना। अब देखो नेगेटिव और नेगेटिव, न्यूमरेटर में भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों में नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया मेरे पास नंबर 6/7। मींस मुझे बताना है एडिटिव इनवर्स 6/7 का, और 6/7 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 6/7। राइट, ध्यान रखना इस चीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, माइनस ऑफ 7/8 एंड 8/9। -7/8 और 8/9 को आपको ऐड करना है। अब देखो जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो इनका एलसीएम लेंगे। अब 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 72। और 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8, 8 इज 64। अब देखो -7 × 9 63 प्लस 8 इज 64 बाय 72। नाउ -63 प्लस 64, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा माइनस, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दें, 64 माइनस 63 इज 1, और साइन जो बड़े वाले नंबर के साथ है विच वन इज ग्रेटर, 64 और 63, 64 ग्रेटर है, 64 के आगे साइन कौन सा है प्लस का, तो इट विल बी 1/72। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, चलिए चेक करते हैं सी पार्ट।
5y माइनस 9। अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं हो सकता, हमने किया था कि डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में, प्लस माइनस ऑफ 5y9। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका, 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 36। 36 डिवाइडेड बाय 12 इज 3, 13 3 सा माइनस ऑफ 39 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 9 इज 4, 4 इनटू माइनस 5 दैट इज माइनस 20, सो दिस इज माइनस 39 प्लस माइनस माइनस 20 बाय 36। अब दोनों साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो ऐड होगा, 39 और 20 ऐड हो जाएगा, 39 और 20 ऐड करके कितना आएगा, 59। और साइन साइन वही जो दोनों नंबर्स के साथ है, दोनों ही नंबर्स के साथ क्या है, नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ 59 बाय 36, राइट। सो दिस इज द आंसर, बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम है इसी तरह। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/41। अब देखो -6/41 है, नेगेटिव नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है आपको, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, इसी का पॉजिटिव, दैट विल बी 6/41। नेक्स्ट है बी पार्ट, -2/-13, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही नेगेटिव साइन है, अगर दोनों में नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो मीन्स आपको बेसिकली एडिटिव इनवर्स बताना है 2/13 का, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2/13। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स इजी हैं, खुद से कर सकते हो, खुद ही करोगे। नेक्स्ट है सबट्रैक्ट, कह रहे सबट्रैक्ट 2/13 फ्रॉम माइनस ऑफ 6/13। 2/13 को माइनस करना है माइनस ऑफ 6/13 में से, मीन्स -6/13 -2/13, यही बन गया, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे, मीन्स -6 -2। अब दोनों ही साइन सेम है, अगर साइन सेम हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं 6 और 2 8, और साइन कौन सा आएगा जो दोनों ही नंबर्स के साथ है, एंड दैट इज नेगेटिव, सो आंसर इज -8/13। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट, कह रहे सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम -3/4। 1 को सबट्रैक्ट करना है माइनस ऑफ 3/4 में से, मींस -3/4 -1। अब 1 में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मींस 1, तो 4 और 1 का एलसीएम, इट विल बी 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, 1 इनटू -3 इज -3, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4, 4 इनटू 1 इज 4, -3 -4 -+, सो दिस विल बी -7/4। बाकी के पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से होंगे, खुद से करोगे। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई, ए पार्ट है इसका 4/5 -2/3 +7/9। क्या करेंगे इसमें, इकट्ठा ही सॉल्व करेंगे तीनों को, तीनों ही नंबर्स का एक साथ एलसीएम लेंगे, 5, 3 और 9, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 45। अब करो सॉल्व, 45 / 5 इज 15, सॉरी 9, 9 4 = 36 माइनस 45 / 3 इज 15, 15 2 = 30, साइन है प्लस का तो प्लस, 45 / 9 इज 5, 5 7 = 35, 36 - 30 इज 6 एंड 6 and 35 इज 41/45, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट, दैट इज -3 + -4/3 + 2/9। अब देखो यहाँ 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 -3
by 1 plus minus minus 4 by 3 plus 2 by 9. ये स्टेटमेंट बन गई. अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों नंबर्स का, 1, 3 और 9. इनका एलसीएम कितना आएगा, इट विल बी 9. नाउ 9 डिवाइडेड बाय 1 इज 9. 9 3 इज 27. साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ रहेगा, बिना नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव. 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3. 4 3 इज 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 इज 1. 1 into 2 इज 2. माइनस 27 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बन गया, माइनस 39 प्लस 2 बाय 9. अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो क्या होगा, माइनस. तो माइनस 39 में से 2 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 37 बाय 9. राइट, इस तरह से होगा सिंप्लीफिकेशन. बी पार्ट रहेगा, अब आप खुद से ट्राई करोगे. फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, सिंप्लीफिकेशन है इसमें भी. इसका सी पार्ट करते हैं. इट्स सी पार्ट इज माइनस ऑफ 3 बाय 5 माइनस माइनस ऑफ 3 बाय 4 प्लस माइनस ऑफ 2 बाय 5 माइनस ऑफ 3 बाय 5 माइनस और माइनस प्लस 3 बाय 4 एंड प्लस माइनस माइनस दैट इज माइनस ऑफ 2 बाय 5. अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन यहाँ पर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, पहले ही इन दोनों को सॉल्व कर दो. मीन्स माइनस ऑफ 3 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 प्लस 3 बाय 4. अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, मीन्स वही ऑपरेशन लग जाएगा जो है. सो माइनस 3 माइनस 2 बाय 5 प्लस 3 बाय 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 बाय 5 प्लस 3 बाय 4 माइनस 5 बाय 5 मीन्स 1 माइनस 1 प्लस 3 बाय 4. अब यहाँ माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1. अब 4 और 1 का एलसीएम 4. 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4. 4 इंटू 1 4 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 4. बीच में साइन है प्लस का तो प्लस. 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1. 1 इंटू 3 3 माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस ऑफ 1 बाय 4. सो दिस इज द आंसर. इसी तरह से होंगे इसी क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स बिल्कुल सेम है, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन ही करते हैं, खुद से ट्राई करोगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. Get the sum of two rational numbers is 3 by 11. आपको दो रैशनल नंबर्स का सम दिया हुआ है. That is 3 by 11. Get it? One of them is minus of 6 by 7. उनमें से एक नंबर है माइनस ऑफ 6 बाय 7. कह रहे फाइंड द अदर, आपको निकालना है दूसरा नंबर. दूसरा नंबर किस तरह से निकलेगा, इस सम में से एक नंबर माइनस करते मींस 3 बाय 11 माइनस माइनस ऑफ 6 बाय 7. 3 बाय 11 माइनस माइनस प्लस 6 बाय 7. अब आगे इनको सॉल्व कर दो फर्दर. 7 और 11 का एलसीएम 77. 77 डिवाइडेड बाय 11 इज 7. 7 3 इज 21 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 7 इज 11. 11 इंटू 6 इज 66. सो दिस विल बी 87 बाय 77. ये होगा हमारा अदर नंबर. मीन्स 87 बाय 77 प्लस माइनस ऑफ 6 बाय 7. जब आप दो नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 3 बाय 11. राइट, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. Here the sum of two rational numbers is 7 by 9. बिल्कुल सेम है इस क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, ये आपको उससे ट्राई करोगे. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. कह रहा व्हाट शुड बी एडेड टू माइनस 3 बाय 8 टू गेट माइनस ऑफ 1 बाय 7. कह रहा माइनस 3 बाय 8 में क्या ऐड करें कि आंसर आ जाए माइनस ऑफ 1 बाय 7. अब ये नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन्स मुझे एक दो नंबर्स हैं, अगेन वही क्या हुआ है
कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका सम है माइनस ऑफ 1/7, उनमें से एक नंबर आपको दिया हुआ है माइनस ऑफ 3/8, आपको निकालना है बेसिकली दूसरा नंबर, सेम वैसे ही होगा। तो कैसे निकलेगा ये नंबर, जो इनका सम है माइनस ऑफ 1/7, इसमें से माइनस कर दे इस नंबर को, दैट इज माइनस ऑफ 3/8। सॉल्व कर लो इसे, माइनस ऑफ 1/7 माइनस माइनस प्लस 3/8, 8 और 7 का एलसीएम दैट इज 56, 56 डिवाइडेड बाय 7 इज 8, 8 इनटू माइनस 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 8 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 8 इज 7, 7 3 इज 21, 21 माइनस 8 इज 13 एंड द आंसर इज 13/56, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2/5, ये 2/5 में से क्या सबट्रैक्ट किया जाए कि आंसर आ जाए माइनस ऑफ 4/7। 2/5 में से क्या नंबर माइनस करें कि आंसर माइनस ऑफ 4/7 आ जाए, तो ये कैसे नंबर किस तरह से निकलेगा, देखो इसमें से कुछ माइनस करना है कि माइनस 4/7 आ जाए, मींस बिल्कुल सेम लाइक इट 10 में से मैं किस नंबर को माइनस करूं कि आंसर आ जाए मेरे पास 4, वो नंबर कैसे निकलेगा, जब मैं इस 10 में से 4 को माइनस करूंगी तो मेरे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। सिमिलरली इसमें होगा, मींस 2/5 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे माइनस ऑफ 4/7, 2/5 माइनस माइनस ऑफ 4/7, नाउ माइनस माइनस विल बी प्लस, अब 5 और 7 का एलसीएम 35, 35 डिवाइडेड बाय 5 इज 7, 7 इनटू 2 14, प्लस 35 डिवाइडेड बाय 7 इज 5, 5 4 जा 20, 14 और 20 को ऐड कर लो दैट इज 34/35, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये नंबर दिया हुआ है, एक सम की फॉर्म में दे रखा है मुझे नंबर, कह रहे कि इसमें क्या ऐड करें कि आंसर आ जाए 2। बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चंस की तरह, कह रहे इसमें कितना ऐड किया जाए कि आंसर 2 आ जाए, तो इसको एक नंबर लिख कर लें, मींस सम की एक नंबर है जो आपको सम की फॉर्म में दिया हुआ है, तीन नंबर्स के सम की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर मैं उन तीन नंबर्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हो जाएगा ये। तो कर लो सॉल्व, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इसको सॉल्व कर लो, 4, 3 और 2 इनका एलसीएम कितना आया, 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, 6 इनटू 1 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, 4 वन्स आर 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, 3 वन्स आर 3, तो ये कितना बन गया 13/12, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ गया 13/12। तब क्वेश्चन क्या बना कि 13/12 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर कितना आ जाए 2, तो क्या करेंगे 2 में से सबट्रैक्ट कर देंगे 13/12 को, सबट्रैक्ट कर लो यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 माइनस 5/3, कह रहे इसमें से क्या सबट्रैक्ट किया जाए कि आंसर आ जाए माइनस ऑफ 1/5, बिल्कुल सेम है पिछले ही क्वेश्चन की तरह, कह रहे इसमें से क्या माइनस करें कि आंसर माइनस ऑफ 1/5 आ जाए। अब जो मुझे नंबर दिया हुआ है वो दो नंबर्स के डिफरेंस की फॉर्म में दे रखा है, तो इन नंबर्स का डिफरेंस निकाल लें, मेरे पास वही नंबर आ जाएगा जिसमें से मुझे एक नंबर को माइनस करना है कि आंसर माइनस ऑफ 1/5 आ जाए, तो पहले ही नंबर निकाल लो। तो नंबर कैसे निकालेंगे, 3/4 माइनस 5/3, अब 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, 3 3 इज 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, 4 5 इज 20, सो आई गेट माइनस ऑफ 11/12। अब क्या स्टेटमेंट बनी मेरे पास कि माइनस ऑफ 11/12 में से किस
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 13/7 एंड 4/5 फ्रॉम देयर सम। कह रहे हैं इनके डिफरेंस को इनके सम में से माइनस करना है, तो पहले तो इनका डिफरेंस और इसका सम निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, पहले निकालते हैं इनका डिफरेंस कितना होगा। 13/7 माइनस को 4/5, अब 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 35। 35 डिवाइडेड बाय 7 इज 5। 13/5 = 65 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5 इज 7। 7 4 = 28, सो आई विल गेट 37/35। ये आ गया इनका डिफरेंस। अब मुझे क्या निकालना है, सम। सम मींस ऐड करना है दोनों को, 13/7 + 4/5 सेम, 7 और 5 का एलसीएम 35। सॉल्व करेंगे तो सेम यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। फर्दर जब मैं इसको ऐड करूँगी तो आई विल गेट 93/35। राइट, अब बोला क्या था उसने कि जो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस को माइनस करना है सम में से। क्या करना है, डिफरेंस को माइनस करना है सम में से, मीन्स सम माइनस डिफरेंस करना है। सम कितना था 93/35, इसमें से माइनस करना है इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 37/35। तो बस इसको सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपल माइनस हो जाएगा। सो आई गेट 56/35। देखो ये कट हो रहा है, इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जा सकते हैं तो इसको लेके जाओ। 7 5 = 7 8 = सो इट इज 8/5, सो 8/5 इज द आंसर। राइट, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 3.3।